नमस्कार, सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं जो हाँ पिछले अध्याय में हमने छोड़ रखा था, आगे का क्वेश्चन इतिहास का, वो मैं आगे से आज फिर से आप लोगों को बताने वाला हूँ। उसके आगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, चलिए चलते हैं। ये 49 नंबर का क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन जो था वो 48वां क्वेश्चन था जिसे मैंने आप लोगों को बताया था। अब ये 49वां क्वेश्चन में आइए देखते हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला एवं फरात नदियों के बीच विकसित हुई थी। यहाँ पर पूछा जाता है कि दजला एवं फरात नदियों के बीच में किसकी सभ्यता विकसित हुई थी, तो वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगला है, कुम्हार के चाक का प्रयोग सबसे पहले मेसोपोटामिया में हुआ था। कुम्हार के चाक का प्रयोग कहाँ हुआ था, वो मेसोपोटामिया में हुआ था। मेसोपोटामिया सभ्यता जो है वो सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता है। मेसोपोटामिया सभ्यता सिंधुकालीन सभ्यता का समकालीन सभ्यता है, ये भी पूछा जाता है बहुत। हड़प्पा एवं मेसोपोटामिया के बीच जल मार्ग द्वारा व्यापार होता है, ये भी पूछा जाता है कि जल मार्ग द्वारा, मतलब कि, या फिर इस तरह से आता है कि हड़प्पा एवं मेसोपोटामिया के बीच में किस मार्ग द्वारा व्यापार होता है, तो ये जल मार्ग द्वारा व्यापार होता था, ना कि स्थल मार्ग द्वारा। अगला है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कहकर पुकारा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम इस सभ्यता से संबंधित प्रारंभिक पुरास्थल सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के आसपास मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसका इसे एक और सभ्यता के नाम से जाना जाता है, वो है सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि ये प्रारंभिक पुरास्थल सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के आसपास पाया गया था। अगला है, हड़प्पा नामक पुरास्थल की खुदाई 1921 ईस्वी में हुआ था। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसे याद बहुत रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। हड़प्पा नामक पुरास्थल की खुदाई हुई थी 1921 ईस्वी में, और ये किसके नेतृत्व में हुई थी, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई थी। और किसने किया था इसकी खुदाई कराया था, वो है दयाराम साहनी ने। मतलब कि ये तीन क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से बन जाता है। हड़प्पा नामक पुरास्थल की खुदाई 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में श्री दयाराम साहनी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहकर भी पुकारा जाता है। मतलब हड़प्पा सभ्यता जो है उसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहकर पुकारा जाता है, क्योंकि हड़प्पा निवासियों को सर्वप्रथम कांसा की जानकारी थी। और कांसा किन दो धातुओं से मिलकर बनता है, वो है तांबा और टीन। तांबा और टीन से मिलकर कांसा धातु बनता है। अगला है क्वेश्चन, वर्तमान में इस सभ्यता का सर्वाधिक संकेंद्र सरस्वती नदी घाटी गग्घर में दिखाई पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता का इस समय अगर देखा जाए वर्तमान में, तो इसका संकेंद्रण सरस्वती नदी, यानी कि एक और नाम है सरस्वती नदी का, वो है घग्गर नदी में दिखाई देता है। अगला है, हड़प्पा सभ्यता को आध ऐतिहासिक सभ्यता और वैदिक सभ्यता में शामिल किया गया जाता है। अगला है, सुतकांगे डोर, ये नाम बहुत याद रखिएगा, ये आपको बहुत काम करने वाले है। सुतकांगे डोर को सिंधु सभ्यता का चौराहा कहा जाता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता का चौराहा किसे कहा जाता है, तो वो है सुतकांगे डोर। अगला है, हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किमी था, जो मतलब कि उस समय सबसे ज़्यादा हुआ करता था। स्टुअर्ट पिगट के अनुसार मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी। स्टुअर्ट पिकट जो हैं वो, उनके अनुसार ये कहा गया कि मोहनजोदड़ो जो स्थान है और हड़प्पा जो है वो सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियां थी। अगला है, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल बीएन मिश्र के अनुसार मिश्र का क्षेत्रफल का 20 गुना ज्यादा तथा मेसोपोटामिया से 12 गुना बड़ा था। ये हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल जो है बीएन मिश्र जो है उनके अनुसार मिश्र का क्षेत्रफल का 20 गुना ज़्यादा तथा मेसोपोटामिया से 12 गुना बड़ा हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल था। हड़प्पा सभ्यता का निर्माता मेडिटेरियन है, यहाँ पर ये पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन है या कौन थे, तो वहाँ पर आप मेडिटेरियन लगा देंगे। अगला है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी।
जैसे इस समय की जो लिपि है देवनागरी लिपि वगैरह वो सब बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। अगला है, सबसे ज्यादा अभिलेख मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे, ये भी पूछी जाती है बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए थे, कौन से पुरास्थल से प्राप्त हुए थे, तो वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से सबसे ज्यादा पूरा अभिलेख प्राप्त हुए थे। अगला है, सिंधु सभ्यता के लोगों को सिक्कों नोटों या रुपयों का ज्ञान नहीं था। उस समय की सभ्यता, सिंधु सभ्यता जिस समय थी उस समय की सभ्यता में लोगों को, किसी भी व्यक्तियों को नोट या सिक्कों का या रुपयों का ज्ञान नहीं था। अगला है, सिंधु सभ्यता के लोगों को व्यापार लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली का आधार था। मतलब कि उस समय जो भी व्यापार होता था, खरीद बिक्री होती थी, वो आप जैसे हमें चावल लेना है तो हम गए वहाँ पर और चावल लिए और उसके बदले में हम गेहूँ उसे देकर आए गए, तो उसे ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो इस तरह की प्रणाली सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार के लिए लेन देन में हुआ करती थी। अगला है, अब तक की सबसे बड़ी लिपि 10 अक्षरों की लिपि ये पाई गई थी धौलावीरा से। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ी अक्षरों की लिपि कहाँ से पाई गई थी, धौलावीरा से पाई गई थी। अगला है, सिंधु सभ्यता का सर्वनाम तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। सिंधु सभ्यता का अगर काल देखा जाए तो वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। और अगला है क्वेश्चन, डीडी अग्रवाल ने सर्वप्रथम कार्बन डेटिंग का प्रयोग करके हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण करने की कोशिश की थी। तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण करने की प्रयास किसने किया था, तो वो है डीडी अग्रवाल। डीडी अग्रवाल हैं जो किस विधि से इसके प्रयोग काल निर्धारण करने की कोशिश किए थे, तो वो कार्बन डेटिंग विधि से। अगला, हड़प्पा सभ्यता की अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि उनकी नगरी योजना प्रणाली थी। वहाँ की जो सभ्यता का महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि वो उनकी नगरी योजना प्रणाली थी। हड़प्पा सभ्यता में सड़कें प्राय एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिससे पूरा शहर जाल जैसी पद्धति या ग्रेड प्रणाली या शतरंज की बिसात की भांति बिछ जाती थी। मतलब कि वहाँ पर गांव में जो भी, वहाँ के शहर में जो भी रास्ते वगैरह सड़कें वगैरह थी, तो वो एक दूसरे को समकोण पर काट दिया करते थे, जिससे कि वहाँ जाल की भांति या शतरंज में जिस तरह खाने बने होते हैं उस के भांति यहाँ पर सड़कें पाई जाती थी। तो अगला है क्वेश्चन, इस काल में हड़प्पा या हड़प्पा सभ्यता में मकानों के दरवाजे गली की ओर खुलते थे। मकानों के जो दरवाजे हैं वो गली की ओर खुलते थे, जबकि इसके विपरीत लोथल जो स्थान है वहां पर सड़कों की ओर खुलती थी। मकान के दरवाजे जो हैं लोथल में सड़क की ओर खुलती थी, और इसमें मोहनजोदड़ो में ये दरवाजे गली की ओर खुलते थे। ये बहुत कंफ्यूजन हो जाता था है लोगों को, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आपसे कंफ्यूजन ना होने पाए। इस काल में ईंटों का निर्माण सामान्यतः 4:2:1 के अनुपात में किया जाता था। एकमात्र अलंकृत ईंटें कालीबंगा से पाई जाती थी। कालीबंगा एक ऐसा स्थान है जहाँ से अलंकृत ईंटें पाई गई थी। अगला है, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था। हड़प्पा सभ्यता का अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था, और गेहूं जौ इसकी मुख्य खाद्य फसलें हुआ करती थी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और धन्यवाद।